बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अहमद मरज़मी और आज हम डिस्कस करेंगे बोया का WM5 वायरलेस माइक जो है, क्योंकि लोगों ने इसके रिव्यूज़ के बारे में कहा था। मैंने अभी रिसेंटली इसको परचेज़ किया, यूज़ भी किया है, अच्छी प्रोडक्ट है, वायरलेस माइक है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे बिल्ट इन माइक में, जो मेरा कैम का बिल्ट इन माइक है उसके अंदर सारी आप मेरी वॉइस सुन रहे होंगे। और अभी जो है मैं बोया का WM5 जो वायरलेस माइक है उसको अटैच करता हूँ। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ बोया का WM5 वायरलेस माइक, और इस टाइम मेरे हाथ में जो है वो है ट्रांसमीटर, और रिसीवर जो है वो मेरे कैम के ऊपर लगा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसकी भी पिक्चर एक्सटेंड कर दूँ ताकि आप देख सकें, और आप मल्टीपल ट्रांसमीटर जो है वो रिसीवर के साथ अटैच कर सकते हैं। एक शॉर्ट फिल्म है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो आप मल्टीपल ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हैं। और वॉइस जो है आपने जो नॉइज़ है उसको रिड्यूस करने के लिए आप जूम H4N जो है, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, H4N मॉडल है जूम का, वो आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल मॉडल में। जो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा वायरलेस माइक है, विद इन होम और विद इन 500 मीटर्स आप कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो बेस्ट वायरलेस माइक है। क्वालिटी आप लोगों ने देख ली होगी, कंपेयर खुद कीजिएगा। पहले जो थी वो बिल्ट इन माइक की थी, और अब जो है वो मैं जैसे कि यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जो है वो बोया WM5 वायरलेस माइक है। होप्सो कंपैरिजन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और मैं उसका आंसर दूंगा।